अब बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में हम लोग बात करेंगे, पीएम उज्ज्वला योजना के बारे में, राइट। लोगों के घर पर एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाली ये स्कीम है, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। पूरी चीज इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। बताया जा रहा है कि 1 साल में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान बचाई, वायु प्रदूषण एयर पॉल्यूशन से होने वाली मौतों में 13% की कमी नजर आ रही है। तो ओवर 1.5 लाख जान जो है वो बचाई गई 1 साल में, 13% रिडक्शन हुआ एयर पोल्यूशन की डेथ में, और पहला इंडिपेंडेंट इंपैक्ट असेसमेंट उज्ज्वला प्रोग्राम का हम लोग को देखने को मिल रहा है। और बताया जा रहा है कि काफी सारे बेनिफिट्स जो है वो हाईलाइट हुए हैं, लोगों की जान बची है, एयर पोल्यूशन में रिडक्शन हुआ है। तो क्या क्या चीजें सामने आई हैं, तो डेथ रेट में रिडक्शन हुआ, मृत्यु में कमी हुई। लोगों ने एलपीजी का जब से उपयोग करना शुरू किया तो मात्र 2019 में ही कम से कम 1.5 लाख लोगों की जान बच गई। पॉल्यूशन से रिलेटेड जो होने वाली जो मृत्यु होती है, प्री मेच्योर डेथ जो होती है पॉल्यूशन के कारण, 1.5 लाख लोगों की जान बची। तो ये आंकड़े सामने आए हैं। और इवन एटलीस्ट 8 मिलियन टन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एमिशन का 2019 में घटा, रिड्यूस हुआ, मतलब 13% एयर पॉल्यूशन के कारण होने वाली डेथ में रिडक्शन हुआ। दूसरी स्टडी भी बताती है, जैसे कि अगर आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स की हम लोग सुने तो इन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, जो रेस्पिरेटरी डिजीज बढ़ रही थी वो घट गई है गांव के अंदर जब से लोगों ने एलपीजी का उपयोग करना शुरू किया है। क्योंकि उससे पहले एलपीजी से पहले लोग बाग, इवन आज भी है काफी सारी जगह पर आप देखेंगे कि कंडे वगैरह जो होते हैं, लकड़ी वगैरह जो होती है उसको जलाकर खाना पकाया जाता है। अब जब कंडे होते हैं, लकड़ी होती है, तो ये क्या रिलीज करती है, ये पॉल्यूटेंट्स रिलीज करती हैं, और उस पॉल्यूटेंट्स को इनहेल करके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चे जो घर में छोटे होते हैं वो इसका शिकार बन जाते हैं, महिला जो होती है जो खाना पकाती है वो सबसे ज्यादा इसका शिकार होती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और सर्वे ने ये चीज बताई है कि 50% इंप्रूवमेंट हुआ है जनरल हेल्थ कंडीशन में, जो गांव है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार के, जहां पर उज्ज्वला कनेक्शन सबसे ज्यादा हम लोग को देखने को मिला, तो वहां पर अच्छा इंप्रूवमेंट जो है वो नजर आया। 50% लोगों की हेल्थ कंडीशन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और प्रीवियसली सरकार का कहना यह था कि 3 राज्य हैं जो केरोसिन फ्री स्टेट बन गई हैं, वो है हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश। यूनियन टेरिटरीज जो कि केरोसिन फ्री बन गई हैं वो है दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादर और नागर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी। तो ये सब सरकार ने भी आंकड़े दिए हैं। हालांकि जो स्टडी अभी सामने आई है उसके कुछ लिमिटेशन है। इसके लिमिटेशन ये है कि इसने एस्टिमेट नहीं किया है हेल्थ या फिर एडमिशन के बेनिफिट को आउटडोर एयर पोल्यूशन में। आपने इंडोर एयर पोल्यूशन तो देख लिया, बट आउटडोर एयर पोल्यूशन का क्या, बाहर भी तो पोल्यूशन हुआ है। बायोमास जो बर्निंग होती है वो कंट्रीब्यूट करती है 30-40% आउटडोर एयर पोल्यूशन का। बायोमास बर्निंग, जो कंडे वगैरह ये सब चीजें जब जला दी जाती है तो बाहर जो है वो काफी ज्यादा नुकसान होता है, एनवायरमेंट जो है वो डैमेज होता है, तो उसको स्टडी में शामिल नहीं किया। बेनिफिट जो है वो सिर्फ 2019 का ही बताया। स्टडी के थ्रू ये भी पाया गया कि सिर्फ 65% हाउसहोल्ड जो 2019 में देखने को मिले थे उन्होंने ही सिर्फ एलपीजी का उपयोग किया था कुकिंग के पर्पस के लिए। तो ये चीजें हम लोग को एक नई रिपोर्ट के थ्रू, स्टडी के थ्रू पता लगी, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी अब हम लोग बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में, तो 2016 में लॉन्च की गई थी ये स्कीम। मेन एम ये था कि एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वो प्रोवाइड कराना, इसके कनेक्शन प्रोवाइड कराना गरीब घरों में या गरीब लोगों को, गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराना, जिससे कि बायोमास को जलाकर जो खाना वो पकाते हैं और उसके कारण जो उनकी हेल्थ के मतलब जो रिडक्शन होता है हेल्थ में डैमेज जो होता है, राइट, उनकी स्वाद जो है वो खराब होती है, तो उसको रोकना, उनको हेल्दी रखना एलपीजी उनको प्रोवाइड करा के। की फीचर इस स्कीम का यह है, एक तो फ्री में एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराओ, ना ही सिर्फ फ्री में एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराना बल्कि 1600 रुपए पर कनेक्शन के हिसाब से केंद्र सरकार जो है वो लोगों को देती है, परिवारों को देती है। इसमें बताया जा रहा है अचीवमेंट की बात करें तो जनवरी 2022 तक 9 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन जो है वो अभी रोल आउट हुए हैं, और 99.8% ओवर 28 करोड़ हाउस होल्ड जो पूरे इंडिया में है, 28 करोड़ से भी ज्यादा घर जो पूरे इंडिया में है, उसका 99.8% जो है वो एलपीजी का एक्सेस जो है वो ले सकते हैं। 2015 में ये 61.9% था एलपीजी का एक्सेस, आज की रेट में 99.8% हो गया है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, इस स्कीम
को जो है वो कौन ले सकता है, कौन बेनिफिट उठा सकता है इस स्कीम का। तो पहली बात तो वुमेन, 18 साल या उससे ऊपर की महिला होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होनी चाहिए जो ये स्कीम के लिए अप्लाई कर सकती हैं, और एप्लीकेंट जो होंगे वो बिलो पॉवर्टी लाइन के ही होने चाहिए, और उनके घर पर एलपीजी कनेक्शन किसी और के नाम, यानी कि घर पर जो सदस्य हैं यानी कि राशन कार्ड में जिन लोगों का नाम है तो उनमें से किसी के नाम पर भी इंडिविजुअली एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, तो ये चीज देखी जाती है। और हाउस होल्ड इनकम फैमिली की जो है पर मंथ की जो है वो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये लिमिट जो है वो डिफाइन की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के द्वारा। और एप्लीकेंट जो है उनके पास मतलब एलपीजी को लेकर किसी और स्कीम का उनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, मतलब अगर उनको एलपीजी के पर्पस के लिए अगर किसी और स्कीम से बेनिफिट मिल रहा है तो फिर उज्ज्वला योजना का बेनिफिट ऐसे परिवार को नहीं दिया जाएगा। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो महिलाओं को सशक्त बनाना, उनकी हेल्थ, उनका स्वास्थ्य है उसको प्रोटेक्ट करना, सीरियस हेल्थ हजार्ड जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, गंभीर स्वास्थ्य से रिलेटेड जो खतरे जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उनको रिड्यूस करना, जो कि कुकिंग से एसोसिएटेड होते हैं, खाना बनाने से एसोसिएटेड होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि लोग कंडे वगैरह लकड़ी वगैरह जलाकर जो खाना पकाते हैं और उसके धुएं से जो नुकसान होता है उनके स्वास्थ्य को, उनकी हेल्थ को, तो उसको रिड्यूस करना। डेथ जो होती है इंडिया के अंदर अनक्लीन कुकिंग फ्यूल के कारण, तो उस डेथ को जो है वो रिड्यूस करना, राइट, मतलब इस प्रकार से जो फॉसिल फ्यूल के माध्यम से जो लोग खाना पकाते हैं और उसके कारण जो उन लोग की डेथ हो जाती है, तो ऐसे नंबर्स को रिड्यूस करना। छोटे बच्चे जो है प्रिवेंट करना कि उनको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज ना हो, क्योंकि इसका शिकार महिला घर के अंदर, क्योंकि वही खाना पकाती है और बच्चे घर के अंदर रहते हैं छोटे बच्चे, तो वो इसका शिकार ना बन जाए इंडोर एयर पॉल्यूशन का, राइट, तो उस चीज को प्रिवेंट करना। तो ये सब चीजें हैं, काफी डिटेल में हमने डिस्कस करी पीएम उज्ज्वला योजना के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, राइट।